नमस्कार। आप लोग एक बात पे ध्यान दीजिएगा कि जितने भी मामले को लेके हम लोग परेशान हो रहे हैं ना, सब तमाम ग्रुप से लोग, अब मतलब जो लोग कभी मैसेज का रिप्लाई नहीं करते जी, 6-6 महीने सलसल भर, अब वो भी मुझे फ़ोन करने लगे हैं। सबसे पहला काम करिए, एक चीज़ समझिएगा आप लोग, मुझे बार बार फ़ोन करने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। मुझे फ़ोन करेंगे मैं डिस्टर्ब हो जाऊँगा, ठीक है? तो हमेशा एक चीज़ ध्यान देना चाहिए, जो आपका अगर लीडर है, अगर कुछ करना चाहता है, वो प्रयास कर रहा है, तो उसे फ्री रखिए। जब मैं फ्री माइंड रहूँगा तभी आगे की प्रक्रियाएँ और सारी चीज़ें कंप्लीट करवा सकता हूँ। अगर लोग बारी बारी से, अब जैसे लोगों को ये लगता है कि मैं 6 महीना पे आपको फ़ोन कर रहा हूँ, यार पूरे प्रदेश में लाखों अभ्यर्थी हैं, हजारों अभ्यर्थी हैं, कोई कभी भी किसी टाइम फ़ोन कर लेता है। अब ये बताओ, आपको लग रहा है ना कि मैं ये 6 महीने पे एक बार कर रहा हूँ? तमाम अभ्यर्थी हैं, इस तरीके से पता चलता है कि दिन भर सुबह से तांता लगा रहता है फ़ोन का, तो फ़ोन करना बंद कर दीजिए। और दूसरी चीज़ ये है कि इस मामले को मैं ग्रुप में आऊँगा, सारी ग्रुप में प्रक्रिया करवाऊँगा, ग्रुप में प्रक्रिया करवा के और लग के इसको कम्प्लीट करवाऊँगा। फ़ोन से बचिए और जितने भी लोग हैं एक्टिव रहें और एक्टिव होकर इस प्रक्रिया को करवा लिया जाए, चाहे 2019 का मामला हो, चाहे 2021 का मामला हो, सबको हाई अलर्ट पे आ जाना चाहिए, क्योंकि अब इससे बड़ा हाई अलर्ट मुझे लगता है कि अब कोई दूसरा समय नहीं है। और जब तक आप लोग कम्प्लीटली लगेंगे नहीं तो फिर मामला फंसेगा, उसके बाद दोषी मुझे ना बनाइएगा, क्योंकि कम्प्लीटली अगर लगना है, इस वैकेंसी में शामिल होना है, तो माननीय कोर्ट से सारे मामले को निपटा डालना है इसी बीच में, ताकि हम फॉर्म डालें, हमारा फॉर्म बर्बाद ना हो। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग भी इस चीज़ों को समझ रहे होंगे, समझदारी दिखाएंगे और सब लोग एक्टिव हो जाएंगे। जय हिंद।